हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रितु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है कि इस समय आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं आपको लेके। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। फ्रेंड्स, मैं एक नई वर्कशॉप शुरू कर रही हूँ, एंजल्स वर्कशॉप। ये एक बेसिक वर्कशॉप है। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि पहली तो ये चीज़ बताऊंगी कि आपको अपने एंजल से कनेक्ट कैसे करना है। एक स्पेल भी है कि आपको अगर अपनी कोई भी विश को फुलफिल कराना है, जल्दी कराना है, तो आपको एंजल्स की हेल्प कैसे लेनी है। थर्ड, अगर कोई भी सिचुएशन आती है आपके लाइफ में तो उसमें आपको कौन सी एंजल्स की आपको हेल्प लेनी है। एंड देन जो आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखती है उनके क्या मीनिंग होते हैं, जैसे किसी को 444 दिखता है उसका क्या मीनिंग होता है, और भी काफ़ी कुछ है इस एंजल वर्कशॉप में। व्हाट्सएप बेस्ड वर्कशॉप रहेंगी, 3 डेज की वर्कशॉप रहेंगी। पॉसिबली मैं 21st से ये वर्कशॉप शुरू करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट भी व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको एंजल्स वर्कशॉप को ज्वाइन करना है तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस समय आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग क्या है आपको लेके। Queen of Wands, very nice. Death, Nine of Cups, Five of Cups. Wow, bottom of the deck है Empress. The Moon, ये कार्ड ऑटोमेटिकली गिरा है। Ace of Pentacles, Ten of Cups, Two of Sword, Five of Pentacles, Six of Wands. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग क्या है। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। पहली चीज मैं बता दूं कि जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन है, उसमें आपके पर्सन को विक्ट्री चाहिए। विक्ट्री चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि यू आर लाइक अ ट्रू विश फुलफिलमेंट फॉर योर पर्सन। आप उनकी एक्चुअल में विश फुलफिलमेंट हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स के साथ टेन ऑफ कप्स है, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फैमिली रीयूनियन चाहते हैं या फैमिली यूनियन चाहते हैं, आपके साथ बच्चे चाहते हैं। ये आपके पर्सन की एक्चुअल में ट्रू विश फुलफिलमेंट है। ये कनेक्शन में चाहे जो भी इशू है, इस कनेक्शन में उन्हें क्या चाहिए? विक्ट्री चाहिए, जीत चाहिए। आपके पर्सन चाहते हैं, मुझे जो मेजर एनर्जी आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है एंड आप लोग फेमिनिन एनर्जी में हो। क्यों? आपके पर्सन को विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम्स है, वो दिख रही है, वो भी बताऊंगी मैं आगे। आपके पर्सन को आप एम्प्रेस लगते हो, मतलब एक क्वीन लाइक क्वालिटी। आप केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, अबंडेंट हो, ब्यूटिफुल हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत स्पार्क है आपके अंदर। आई मीन यू आर द वन हु कैन अचीव एनी थिंग वट एवर यू वॉन्ट। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहो आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। बहुत फर्टाइल हो, पैसों में बहुत अच्छे हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। एक्चुअल में मुझे नहीं पता आप कैसे हो, बट आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि
कहीं ना कहीं आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, मतलब आप अपनी जो चीज़ें हैं वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हो, तो ये भी आपके पर्सन को लगता है थोड़ी सी मिस्टीरियस वाइब आपसे आती है। यस, हालांकि आप हो, अगर आप इस एनर्जी में हो, आपके पर्सन को लगता है तो आप बहुत बहुत पावरफुल हो। मिस्टीरियस एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि मून के साथ कोई नो बॉन्ड्स है। मून क्या बताता है? मून कैसा होता है? मून प्लैनेट जो होता है ना, वो सॉफ्ट हार्टेड होता है, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, एंड वो थोड़े सीक्रेटिव होते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सीक्रेटिव हो, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को बताते नहीं हो। अभी मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी आप एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो, एक साइकिल चल रहा है, वो साइकिल खत्म होगा, जब नया साइकिल होगा तो आपके पर्सन आपको ये ऑफर करेंगे, ये ऑफर करेंगे, ये बड़ा पेंटिकल ऑफर करेंगे, लाइफ टाइम आपसे शादी के लिए, आपके साथ लव के लिए, आपके साथ यूनियन के लिए, लेकिन उनकी तरफ से ऑफर जरूर आएगा। ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। लेकिन इस समय कनेक्शन का हाल क्या है? इस समय कनेक्शन का बहुत बुरा हाल है, ये हाल है। वो भी बहुत सैड है, आप भी बहुत सैड हो। कुछ कनेक्शन में ऐसा हुआ है, किसी तरह से कुछ ब्लाइंड फोल्ड किया गया है, या तो आपको ब्लाइंड फोल्ड किया गया हो या फिर सामने वाले को ब्लाइंड फोल्ड किया गया है। किसी भी तरीके से किया जा सकता है, ये कोई थर्ड पार्टी ने भड़काया हो, या किसी तरह का स्पेल किया गया हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो कि जिससे आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, जिसके कारण आपके पर्सन भी काफ़ी लॉस फील करते हैं। आपके पर्सन को लगता है आप हाथ से चले गए, एंड आप दोनों ऐसा फील करते हो। तो आपके पर्सन की हालत देखो और आपकी हालत देखो। बहुत मे भी हो सकता है कि स्पेल के कारण आप लोग की तबीयत भी खराब हो, फिजिकल तबीयत खराब ना हो तो मेंटल तबीयत खराब हो, मेंटली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, मेंटली आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, हालत भी आप लोग की खराब है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है। आपके पर्सन चाहते बहुत कुछ है, लेकिन कनेक्शन में अभी जो हाल है, अभी मुझे कनेक्शन का ये एनर्जी दिख रहा है, अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपके पर्सन चाहते ये सब है। आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन जरूर बहुत जल्द लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी भी सिचुएशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वे में अटकी है, तभी ये सारी साइकिल्स आई हैं, तभी वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं तो वो डायरेक्टली आके आपको बोल देते थे, डायरेक्टली आके आपको प्रपोज कर देते थे। अगर वो नहीं प्रपोज कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है ना। यहां से देख लेते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस, ये वाला हाल है। कॉन्ट्रैक्ट, सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, डिसीट, डिसीट का एनर्जी है, धोखा मिला है आपको, धोखा मिला है, तभी एनर्जी है। मैंने कहा ना किसी तरह का स्पेल हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिसके कारण सब चीज़ें अभी आपको ख़त्म लगती है। 5-5 की फ्रिक्वेंसी हो सकता है, आपको 555 का नंबर दिखता हो, 5-5 दिखता हो, या 555 दिखता हो, या 5 दिखता हो। और ये आपके पर्सन ने शायद धोखा दिया, तभी उनकी एनर्जी निकल कर आ रही है। आपके पर्सन इतना अलग अटैचमेंट आपसे फील करते हैं, मैं बता रही हूँ, ये अटैचमेंट ठीक नहीं है। प्यार एक अलग चीज़ होती है, लेकिन ये अटैचमेंट जो होता है, ये अटैचमेंट डेविल वाला अटैचमेंट होता है, ऑब्सेशन वाला अटैचमेंट होता है। ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। कोई कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए, इसलिए पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने। अभी शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उनको ऐसा लगता है कि शायद लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो वो भी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, जो भी आप डिजर्व करते हैं उन सब चीजों के लिए। डोर टू स्पिरिट, उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो, लेकिन धोखा उन्होंने नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने धोखा दिया है तो बहुत, और धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो आपसे ना एक अलग अटैचमेंट फील करता है। ये अटैचमेंट लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद आता है। ये अटैचमेंट में प्यार ज्यादा नहीं होता, ये अटैचमेंट में क्या ज्यादा होता है, एक ऑब्सेशन ज्यादा होता है।
थ्रोट चक्रा में हीलिंग की जरूरत है आप दोनों को, उन्हें भी और आपको भी, क्योंकि थ्रोट चक्रा हील होगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो सॉल्यूशन सामने आएगा। यहाँ पे जो मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। अगर डिसीटिंग वाली एनर्जी है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अबंडेंस, उन्हें आप बहुत अबंडेंट लगते हो हर लेवल पे। वो आपको रोकना चाहते हैं, रोकना क्यों चाहते हैं कि आप किसी और के पास ना जाओ। हो सकता है वो अभी आपके पास नहीं आ पा रहे हो, या किसी कारण से कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आपसे नहीं बात कर पा रहे हो, लेकिन वो आपको रोकना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, यस, मैंने कहा डिसीट आपके साथ हुआ है, गलत आपके साथ हुआ है, इसलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। पर देखिए, अगर आपको लगता है माफ़ कर देना चाहिए तो आप माफ़ कर दो, नहीं लगता तो मत करो। आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन के ऊपर होगा कि आपको किस तरह का दुख मिला है। अब अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। रिकवरी, डिसीट हुआ है, इस समय आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रिकवरी कर रहे हो। जिस भी तरह का डिसीट हुआ है, या जिस भी तरह का आपसे दिल दुखाया गया है, या जो भी थर्ड पार्टी ने कोई सिचुएशन क्रिएट करी है, आप रिकवर कर रहे हो, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं इस समय। एंड आप अपनी सेल्फ वर्थ को जान रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हम ना हमारे हम अपने आप को जान ही नहीं पाते हैं। हम बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारे अंदर डर जो होती है ना, डर जिसका मूलाधार चक्र हिला हुआ होता है, जिसका रूट चक्र अच्छा नहीं होता, उसे हर समय डर लगता है। अगर मैं वहाँ गई, वहाँ पे कुछ हो गया तो, मैं सुबह लेट उठी, मैं ऑफिस नहीं पहुँच पाई तो, किसी ने मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग कर दी तो, इतना डर उनके अंदर रहता है। तो वो कौन सी वाइब्रेशंस में ज़्यादा रहता है? डर की वाइब्रेशंस में। आपको अगर आप डर की वाइब्रेशंस में हो, निकल जाओ। डर की वाइब्रेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने रूट चक्रों को मजबूत बनाओ। यहाँ से देख लेते हैं इस समय उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सेल्फ रिस्पेक्ट, वेरी नाइस। इस समय वो सोच रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हो। हो सकता है आप ज़्यादा झुक नहीं रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मत झुकिए। आपके साथ धोखा किया है, या आपके साथ गलत किया है, या थर्ड पार्टी में रहे हैं, या आपको डिच किया है, आप अपनी पावर में रहिए ना, आप क्यों झुक रहे हो? और आप नहीं झुक रहे, आपके पर्सन को लिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लव का एनर्जी, आपको डेट करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा, उनको आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, उनको आपके हेयर बहुत पसंद है, स्किन बहुत पसंद है, आपकी इन एंड आउट ब्यूटी बहुत पसंद है, अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपके पर्सन, इसलिए अटैचमेंट का ऑब्सेशन की भी एनर्जी आई है। आपको रोक के रखना चाहते, कहीं जाओ मत। रेनबो रिवाइवर, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों सोलमेट्स हो। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेम जेंडर के भी लोग हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर भी हो सकता है, यूजुअली डिफरेंट जेंडर ही होता है, बट आजकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है तो सेम जेंडर भी आ गया है। सेम जेंडर की भी एनर्जी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।